गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ डॉक्टर कमल किशोर यूएस फाउंडेशन से। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्ट्रक्चर ऑफ यूट्रस। हम लोग आज जो देखेंगे यूट्रस के स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे कि यूट्रस जो है कौन कौन से उसके पार्ट होते हैं और वो कितने लेयर से मिलकर बना होता है और उसके किस पार्ट्स के नाम के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। उससे पहले थोड़ा सा हम लोग बैक का जानकारी ले ले, जिसमें हम लोगों ने यूट्रस के बारे में ही पढ़ा था, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था, उसके बारे में मैं आप लोगों को अभी थोड़ा सा उसका डिटेल बता देता हूँ। तो जिसमें आप लोगों ने पहले क्लास में पढ़ा था, इसके जस्ट पिछले बार वीडियो में मैंने उसमें बताया था यूट्रस के बारे में कि जो यूट्रस है हमारा वो उस चीज़ का इंट्रोडक्शन मैंने आप लोगों को बताया था, उसके बाद उसके शेप को बताया था, साइज को बताया था, वेट को बताया था, उसके बाद मैंने आप लोगों को उसके लोकेशन के बारे में बताया था। इन सारे चीज़ों को बताने के बाद मैंने आप लोगों को ये चीज़ और क्लियर किया था, जिसमें कि उसके ब्लड सप्लाई था, जिसमें दो तरह का सप्लाई था, आर्टेरियल सप्लाई एंड वेनस सप्लाई, उसके बाद उसका लिम्फैटिक ड्रेनेज था, और लास्टली मैंने आप लोगों को बताया था कि उसके नर्व सप्लाई के बारे में। तो इतने चीज़ को मैंने जस्ट पीछे वाले वीडियो में आप लोगों को क्लियर कर दिया था। उसके बाद का जो हमारा टॉपिक है वो है स्ट्रक्चर ऑफ यूट्रस, क्लियर। तो आप लोग पीछे वाले वीडियो को पढ़ करके अच्छे से याद कर लिए होइएगा, और याद ना किए हैं तो उसको अच्छे से याद कर ले, चूँकि हर वीडियो जो होता है वो एक दूसरे से रिलेटेड होता है। उसमें आप लोग अगर पीछे का वीडियो अच्छे से याद रखेंगे तो आगे का भी टॉपिक आप लोग को समझ में आता चला जाएगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने आज के टॉपिक को, स्ट्रक्चर ऑफ यूट्रस। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि यूट्रस में कितने तरह के स्ट्रक्चर होते हैं। तो देखते हैं क्या कहता है स्ट्रक्चर ऑफ यूट्रस। तो द यूट्रस इज डिवाइडेड इंटू थ्री पार्ट, ठीक है। ये जो यूट्रस होता है वो तीन पार्ट में बटा होता है, जिसमें पहला जो पार्ट होता है वो कहलाता है हमारा फंडस, उसके बाद बॉडी, देन सर्विक्स, क्लियर। जो यूट्रस का जो पार्ट होते हैं कितने होते हैं, तीन होते हैं। पहला हो गया फंडस, दूसरा बॉडी एंड तीसरा सर्विक्स। तो हम लोग देखते हैं ये फंडस कहाँ पर होता है। तो ये हो गया यूट्रस। यूट्रस के बाद ये जो चीज है ये फैलोपियन ट्यूब हो जाएगा, और इसके ऊपर का जो भाग होता है, ठीक है, ये पूरा हो गया यूट्रस। इस पूरे को कहेंगे यूट्रस। इसमें सबसे ऊपर का जो भाग हुआ ये हो गया फंडस, उसके बाद हो गया बॉडी, और देन हो गया सर्विक्स। तो क्लियर है कि यूट्रस को तीन भागों में बांटा गया, फंडस, बॉडी एंड सर्विक्स। तो देखते हैं फंडस किसे कहते हैं। तो जो फंडस होता है टॉप ऑफ द यूट्रस, फंडस कहाँ होता है, यूट्रस के टॉप पर यानी कि ऊपर पर का जो स्ट्रक्चर होता है वो कहलाता है हमारा क्या चीज, फंडस। उसके बाद क्या कहते हैं, एबव द एंट्री पॉइंट ऑफ द यूट्राइन ट्यूब। जो यूट्राइन ट्यूब होता है यानी कि फैलोपियन ट्यूब को ही हम लोग यूट्राइन ट्यूब के नाम से जाना जानते हैं। तो जहाँ पर ये एंट्री यानी कि अंदर की तरफ किसमें, तो बॉडी ऑफ यूट्रस में आता है, वहीं पर या उसी चीज़ को यहाँ लिखा गया एबव द एंट्री पॉइंट ऑफ द यूट्राइन ट्यूब। ऊपर से जहाँ से एंट्री पॉइंट होता है यूट्राइन ट्यूब का, फैलोपियन ट्यूब का, उसके ऊपर का जो एरिया होता है वही कहलाता है आपका फंडस। नेक्स्ट क्या है हमारा, बॉडी। यूजुअली साइट फॉर इम्प्लांटेशन ऑफ द ब्लास्टोसाइट। ये जो बॉडी होता है, ये जो बॉडी का एरिया है, इस बॉडी के एरिया में ही जो फर्टिलाइज्ड एग होता है, फर्टिलाइज्ड एग, वही जो है यहाँ पर आकर के इम्प्लांट होता है, जिसके कारण जो है फुल्ली जो फीटस रहता है इसके अंदर वो डेवलपमेंट करता है।
जो फर्टिलाइज ओवम होगा वो आगे जाकर के उसके सेल डिवीजन से क्या बनेगा, वो ब्लास्टोसाइट बनेगा। वही ब्लास्टोसाइट आ करके यहाँ पर इम्प्लांट होगा, ठीक है। वह इम्प्लांट होने के बाद यहीं पर आइए 9 मंथ तक एक जो एग रहता है अंडा फर्टिलाइज के बाद ब्लास्टोसाइट, उसके बाद उसका जो सेल डेवलपमेंट जो है रेगुलर वे में होता रहेगा, और रेगुलर वे में होने के बाद ये 9 मंथ आफ्टर एक चाइल्ड को जन्म देता है। क्लियर हो गया, यूट्रस के अंदर बॉडी हो गया, बॉडी क्या काम करता है, इम्प्लांटेशन ऑफ द ब्लास्टोसाइट, यानी कि ब्लास्टोसाइट क्या हो गया, सेल डिवीजन के एक पार्ट का नाम होता है, जो कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद वो आता है। नेक्स्ट करते हैं हम लोग सर्विक्स के बारे में देखते हैं। तो सर्विक्स का एरिया कौन सा हो गया, तो ये एरिया कहलाता है सर्विक्स। सर्विक्स क्या कहता है कि लोअर पार्ट ऑफ द यूटर, लोअर पार्ट ऑफ द यूटरस, लोअर पार्ट ऑफ द यूटरस लिंकिंग इट विथ द वेजाइना। मतलब क्या होता है, ये कहलाता है वेजाइना। वेजाइना और सर्विक्स का ये ज्वाइंट होता है, लिंक एरिया होता है, जो कि कहलाता है यही पर्याय। यहाँ से वेजाइना एंट्री किया और उसके जस्ट पास में हो गया सर्विक्स। उसके बाद क्या है, दिस पार्ट इज स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली डिफरेंट टू द रेस्ट ऑफ द यूट्रस। क्या कहता है कि ये जो पार्ट होता है वो स्ट्रक्चर और फंक्शन के आधार पर दूसरे यूट्रस के पार्ट से ये डिफरेंट होता है। क्लियर, तो मैंने क्या बताया आप लोगों को, यूट्रस में 3 तरह का पार्ट है, फंडस, बॉडी एंड सर्विक्स। क्लियर, जो फंडस था वो टॉप रहता है, बॉडी हो गया सेंटर में जो इम्प्लांटेशन का काम करता है, सर्विक्स जो होता है वो वेजाइना का कनेक्टिंग पॉइंट होता है। उसके बाद क्या हो गया कि ये तीनों जो होता है, फंडस, बॉडी एंड यूट्रस, ये तीनों बनता है हमारा, क्या लिखेंगे, कंपोज ऑफ 3 टिश्यू लेयर। ठीक है, ये तीनों जो है 3 तरह के लेयर से बना होता है, जिसका पहला लेयर का नाम होता है पेरिटोनियम, या इसे दूसरे भाषा में कहते हैं हम लोग पेरिमेट्रियम। ठीक है, ये जो तीनों लेयर बना होता है, 3 लेयर से बना होता है, और ये 3 लेयर जो होता है वो होता है पहला पेरिटोनियम या पेरिमेट्रियम, दूसरा है मायोमेट्रियम एंड तीसरा है इंडोमेट्रियम। क्लियर, तो जो यूट्रस का 3 पार्ट था, फंडस, बॉडी एंड सर्विक्स, वो 3 लेयर से बना होता है, जिसमें पहला लेयर जो होता है वो होता है पेरिटोनियम या पेरिमेट्रियम, दूसरा होता है मायोमेट्रियम एंड तीसरा होता है इंडोमेट्रियम। पेरिमेट्रियम जो होता है वो होता है कंटिन्यू विद द एब्डोमिनल पेरिटोनियम, वो कंटिन्यू करता है किसके साथ, एब्डोमिनल पेरिटोनियम के साथ वो कंटिन्यू करता है। नेक्स्ट है मायोमेट्रियम, जो होता है वो मिडिल लेयर होता है यूट्रस का। ठीक है, मायोमेट्रियम क्या होता है, मिडिल लेयर होता है यूट्रस का, और ये सॉफ्ट टिश्यू का होता है। किस तरह का लगता है, ये एकदम सॉफ्ट टिश्यू का बना होता है और ये सॉफ्ट होता है। नेक्स्ट है हमारा क्या चीज, इंडोमेट्रियम। तो जो ये इंडोमेट्रियम है, ये यूट्रस के अंदर के वाल, यानी कि इनर म्यूकस मेम्ब्रेन, अंदर के बाल को कहते हैं हम लोग क्या चीज, इंडोमेट्रियम। और ये जो इंडोमेट्रियम होता है, वही इंडोमेट्रियम हर मंथ में बनता है और टूटता है, बनता है और टूटता है, बनने और टूटने के बाद जो निकलता है वही साइकिल को हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल के नाम से जानते हैं। इसी साइकिल में क्या होता है, इंडोमेट्रियम जब टूट कर करके जब इस यूट्रस के बाहर निकलता है, तो ये कहलाता है क्या चीज, मेंस्ट्रुएशन साइकिल। तो इतना हम लोगों ने देख लिया है कि जो हमारा यूट्रस का 3 पार्ट है, फंडस, बॉडी एंड
सर्विक्स वो तीन लेयर से बना है, वो तीनों लेयर के बारे में हम लोग देख लिए। अब देखते हैं थोड़ा सा एक यूट्रस के फुल्ली स्ट्रक्चर के नाम को। तो ये क्या है, एक यूट्रस का है, नीचे से जो ये पूरा हो गया यहाँ से यहाँ तक ये भेजा ही ना, उसके बाद यहाँ से जैसी इंट्री करता है ये होता है एक्सटर्नल ऑस, और उसके बाद ये अंदर जो जाता है वो होता है इंटरनल ऑस, उसके बाद अंदर जाने के बाद ये हो गया बॉडी, उसके बाद ये होता है फंडस, उसके बाद जब ये इस तरह से घूमता है तो इस चीज़ को हम लोग कहते हैं फैलोपियन ट्यूब, इस पूरे वाले भाग को। इस फैलोपियन ट्यूब के जस्ट पास एक गोल स्ट्रक्चर आप लोग देख रहे हैं जो ओवरी होता है, इसमें छोटे 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 ओवम होता है, जो एग होता है वही एग जो है आफ्टर 14th वीक ओवुलेशन टाइम में इसमें से निकलता है, और ये होता है फिम्ब्रिया एम्पुला। एम्पुला में जा करके क्या करेगा, वो स्पर्म का वेट करता है, और आफ्टर 28 डेज ये फिर से वो इस वाल के थ्रू क्या होगा, बाहर की तरफ निकल जाएगा, और यही जो निकलने का जो प्रोसेस होता है वो कहलाता है मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन में जो ओवम होता है वो भी निकलता है, और जो इंडोमेट्रियम का वाल टूटता है वो भी मेंस्ट्रुएशन के साथ साथ बाहर निकलता है। तो ये पूरा हो गया हमारे स्ट्रक्चर ऑफ यूट्रस के बारे में, जिसे आप लोग देखें, नोट कर लें और याद कर लें।